आज हम बनाएंगे ब्रेड और दूध से बनने वाली बेहद ही स्वादिष्ट मिठाई। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए 1.5 कप दूध लिया है। आप कच्चा या पहले से उबला हुआ दूध ले सकते हैं। गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम रखेंगे। दूध में उबाल आ गया है। मिठास के लिए 4 चम्मच चीनी डालेंगे। आप चीनी की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/3 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। दूध को हमें 2 मिनट तक उबालना है। जब तक दूध उबल रहा है, 1 कटोरी में 1/2 कप दूध लेंगे। 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें गर्म दूध नहीं लेनी, अगर दूध गर्म हो तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। दूध को उबलते करीब 2 मिनट हो गया है। घोल को डालने से पहले एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। 1 से 1.5 मिनट में दूध गाढ़ी हो जाएगी। इन्हें हम लगातार चलाते रहेंगे। इन्हें हमें इसी स्टेज तक पकाना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये ठंडा होने से और गाढ़ी हो जाएगी। अब इन्हें हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इन्हें हमें ठंडा करना है। आप चाहे तो रूम टेम्परेचर पर रहने दें या फिर फ्रिज में रख कर ठंडा कर सकते हैं। 1 कटोरी में मैंने 2 टेबलस्पून मलाई लिया है। फ्रिज में रखी 3 से 4 दिन तक की मलाई हम ले सकते हैं। मलाई को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। 1 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट फिलिंग बनके तैयार है। ये मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इनके साइड को हम कट करके अलग कर देंगे। चारों ब्रेड के साइड को हमने कट करके अलग कर दिया है। इन्हें ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। पकौड़े या कटलेट बनाते समय ये काम आ जाते हैं। अब हम ब्रेड के स्लाइस लेंगे। 3 चम्मच मलाई अच्छी तरह फैलाएंगे। दूसरे ब्रेड को इस पर चिपका देंगे। ये अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। बाकी 2 ब्रेड को भी मैंने इसी तरह से अरेंज कर लिया है। छुरी या कटर की मदद से इस तरह से हम कट कर लेंगे। 4 ब्रेड से 8 पीस मिठाई बनकर तैयार हो जाएंगी। अब हम कटोरी में थोड़ा सा दूध लेंगे। 1/2 चम्मच पिसी हुई चीनी मिक्स करेंगे। ब्रेड के ऊपर 3 से 4 चम्मच दूध डालेंगे या फिर ब्रेड को इस तरह डीप करके निकाल लेंगे। सारे ब्रेड अच्छी तरह से दूध में डीप हो गए हैं। अब इसमें हम रबड़ी फैलाएंगे। थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। ये बेहद ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।